हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स। एंड आई विश एंड आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। सो टुडेज दिस इज द चैप्टर 5 विच आई एम टेलिंग यू अबाउट द समरी ऑफ दिस पोयम। चैप्टर नेम इज देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। दिस इज द चैप्टर नंबर 5, क्लास 5। सो ये एक पोयम है। इस पोयम में डिफाइन किया गया है वॉर के बारे में, वॉर एंड पीस। देखिए यहाँ लिखा भी है पीस एंड हार्मनी। सो वॉर एंड पीस से ही रिलेटेड ये पोयम है। थोड़ा सा इसमें डिफाइन भी किया गया वर्ल्ड वॉर के बारे में, कि वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो इससे हमने क्या क्या खोया, हमने क्या क्या इससे हमें लॉस हुए। और अब क्योंकि ये थोड़ी सी इसमें नेचर को डिफाइन किया गया है, इसमें बताया गया है कि वॉर हुआ था, लोगों को बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, बहुत से लोग मर गए थे। लेकिन वॉर होने से पहले और वॉर होने के बाद जो नेचर है उसने अपना काम करना बंद नहीं किया। नेचर को फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, नेचर का जो एक रिसाइकल होता है वो चलता रहता है। यही इस पोयम में डिफाइन किया गया है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस पोयम। Talks of how mankind would perish on account of war, but the natural cycle continue forever. इस पोयम में बताया गया है कि जब पेरिस में एक वॉर हुआ था तो उससे इंसानों के की लाइफ के बारे में बताया गया कि क्या हुआ था वॉर्स में, लोगों ने क्या खोया, क्या उनके साथ हुआ। तो इसमें वॉर को डिफाइन किया गया है, और लेकिन इसके साथ साथ इसमें ये भी बताया है लेकिन जो नेचर थी वो टाइम में भी वो अपना काम करती रही। फर्स्ट इसकी लाइन है, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड। देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स यानी कि सॉफ्ट रेन्स, हल्की बारिश, हल्की बारिश आई है, आएगी, एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड, और जो ग्राउंड जमीन पे जो खुशबू है अच्छी। भाई देखिए, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो जमीन पे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उससे कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। तो यही चीज यहाँ पे बताया है कि जब बारिश की बूंदें जमीन पे गिर रही हैं या बारिश की बूंदें जब जमीन पे गिरी तो उससे जमीन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। द स्वेलोज सर्कलिंग विद देयर शिमरिंग साउंड्स। सिमरिंग, देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी है, सिमरिंग का मतलब है शाइनिंग विद अ सॉफ्ट लाइट। एंड स्वेलो, स्वेलो से यहाँ पे बोला गया है बर्ड से, जो बर्ड्स हैं सर्कलिंग मतलब ग्रुप में, सर्कल में, और जो बर्ड्स हैं वो ग्रुप में आती हैं और उनके जो वो बहुत वो शाइन कर रही हैं क्योंकि बहुत ही ब्राइट वेदर है और वेदर में वो ग्रुप में फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रही हैं और वो शाइन कर रही हैं विथ साउंड्स, आवाज के साथ। एंड फ्रॉक्स इन द पूल्स सिंगिंग एट नाइट। और जो फ्रॉक्स होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो पूल्स में रात के टाइम पे क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं, गाना गा रहे हैं। एंड वाइल्ड प्लम ट्री इन द ट्रिमलीज वाइट। और जो वाइट प्लम ट्री हैं, जो प्लम ट्री होते हैं, बर्फ गिरी है, बर्फ गिरने से उनके ऊपर बर्फ गिर चुकी है और वो क्या हो रहे हैं, हिल रहे हैं। जो बर्फ से ढके हुए प्लम ट्री हैं वो हिल रहे हैं। रॉबिन्स विल वेयर देयर फेदरी फायर। रॉबिन्स में यहाँ पे बर्ड से ही बोला गया है, जो बर्ड्स हैं पीजियंस, यहाँ पे बर्ड्स में भी जो डिफाइन किया है पीजियंस से किया है, बाकी आप इन्हें बर्ड्स भी बोल सकते हैं एज यू विश। रॉबिन्स विल वेयर देयर फेदरी फायर, और जो बर्ड्स हैं उन्होंने अपने फेदरी फायर, फेदर मतलब जो पंख हैं, उन्होंने एक फायर फेदर्स को पहना हुआ है। फायर फेदर्स क्यों बोला गया है ये आपको इसकी नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। विजलिंग देयर विम्स ऑन ए लो फेंस वायर। विम्स का मतलब होता है लहरें या तरंगे। विजलिंग मतलब सीटी, सीटी बजाना, और बोल रहे जो लहरें हैं और जो तरंगे हैं, ठीक है, उसमें वो विजल्स कर रही हैं, वो विजल्स हो रही हैं किसमें, ऑन अ लो फेंस वायर। फेंस वायर का मतलब होता है, आपने देखो ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे आप एक स्टिक सी हैं और हम जब किसी खाली जगह को जैसे
कुछ भी, जैसे आप स्टिक्स लगा सकते हो या छोटी वॉल गैप से करके फिर उन्हें वायर से उसको कवर कर देते हैं हम। जब मोस्टली आपने देखा ना खाली जगह में क्या होता है कि खाली जगह में तारों से उसको सर्कल कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं फेंस वायर। तो बता रहे हैं कि जो रॉबिन्स हैं उनके फैदर फायर फैदर क्यों बोला गया है, क्योंकि वो फेंस फायर के ऊपर बैठे हुए हैं और वो लहरों जो तरंगों में वो विजल्स कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि वो उन फेंस फायर पे जो कवर्ड तार होते हैं, इनको बाड़ भी बोला जाता है। फेंस फायर मतलब बाड़ भी होता है वायर, सॉरी। यहाँ पे ये फेंस फायर वायर पर बैठे हुए हैं और जो तरंगों में वो विजल्स कर रहे हैं और जो उनके फेदर हैं पंख हैं वो फायर की तरह हैं। एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वॉर, और इनमें से कोई भी वॉर के बारे में नहीं जानता। कौन कौन? ना बर्ड्स जानती है, ना फ्रॉग जानते हैं, और ना ही ट्री जानता है। ना प्लम ट्री को पता है क्या हुआ है वॉर में, ना बर्ड्स को पता है और ना ही फ्रॉग्स को पता है। एंड नो वन विल नो ऑफ द वॉर, कोई भी वॉर के बारे में नहीं जानता। नॉट वन विल केयर एट लास्ट वेन इट इज डन, और किसी को नहीं पता कि पिछली रात यहाँ पर क्या हुआ था, कि कल रात क्या हुआ था इस जगह पे, जिस जगह पे अभी ये सब प्रेजेंट हैं, और किसी को नहीं पता। नॉट वन वुड माइंड, कोई भी इस पे ध्यान भी नहीं देना चाहता, कोई नहीं सोचना चाहता कि कल रात यहाँ पर क्या हुआ था। नाइदर बर्ड नॉर ट्री, ना तो बर्ड सोचना चाहती है, ध्यान देना चाहती हैं, और ना ही ट्री। इफ मैनकाइंड पैरिस्ड अटरली, पैरिस्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना, डेड, कि किसी को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि जो इंसान है वो मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, कि इतना वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उस वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मर गए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और जिस जगह पे ये सब इंजॉय कर रहे हैं, बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, ट्रीज को डिफाइन किया गया है, इस जगह पे कल रात वॉर हुआ था, कितने लोग मरे गए थे, उनका खून जमीन पे गिरा था, लेकिन नेचर ने सबको अपना, क्योंकि उसने अपना रिसाइकल, जो उसका काम है नेचर का, भाई देखिए नेचर कभी अपना काम बंद नहीं करती, नेचर का जो काम है वो करती रहती है, ना कभी वो बंद करती है ना वो कभी थकती है। तो नेचर ने अपना काम करना बंद नहीं किया। इस जमीन पे कल रात क्या हुआ था, किसी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ना कोई सोचना चाहता है, और ये सिर्फ अपना एंजॉय कर रहे हैं। नॉट वन वुड माइंड नाइदर बर्ड नॉट ट्री इफ मैनकाइंड पेरिस्ड अटरली, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई ध्यान नहीं देता, ना बर्ड ना ट्री के मानव जाति, मैनकाइंड मतलब जो इंसान है वो मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी वॉक एट डॉन, और जो स्प्रिंग है, जब स्प्रिंग अपने आप में, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, जैसे बोलते हैं ना भोर का टाइम पीरियड, दैट्स कॉल्ड अ अर्ली मॉर्निंग, और जब स्प्रिंग अपने आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में जगती है, वुड स्केयरली नो दैट वी वर गॉन, तो वो खुद ये स्केयर हो जाती है, सोच में पड़ जाती है या डर जाती है कि हम कहाँ चले गए थे, हम कहाँ थे। मतलब स्प्रिंग भी नहीं अब समझ पा रही है, जब स्प्रिंग आया, जब मौसम बसंत आया है, वो भी परेशान है ये सोच के कि जब ये सब कुछ हुआ था तब हम कहाँ थे, जब वॉर हो रहा था, जब लोग मर रहे थे तब हम कहाँ थे, और ये सोच के वो डर जाती है। तो ये थी पोयम, इस पोयम में नेचर को डिफाइन किया गया है और सारा टिसेल ने इस पोयम को लिखा है। ये एक अमेरिकन पोएट थी, ये नेचर से रिलेटेड पोयम है कि भाई कुछ भी हो जाए, इंसान कुछ भी करे अपने इंटेंशन के लिए, कुछ भी करे, लेकिन जो नेचर होती है सबके लिए इक्वल होती है। नेचर कभी भी इंसान के हिसाब से नहीं चलती है और वो हमेशा अपना काम करती रहती है, ना वो कभी थकती है, ना वो अपना काम करना बंद करती है। यही नेचर की एक खूबी है, इसलिए बोला जाता है नेचुरल साइकिल रिसाइकिल, जिसको सॉरी नेचुरल साइकिल कंटिन्यू फॉर एवर। देखिए इस लाइन में लिखा है नेचुरल साइकिल कंटिन्यू फॉर एवर, कि कुछ भी हो जाए, लोग मरें, लड़ाई करें, एक दूसरे को हर्ट करें, लेकिन जो नेचर है वो अपना काम करना बंद नहीं करती है।
ये सब आज एंजॉय कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में, जो बर्ड्स हैं ग्रुप में उड़ रहे हैं आसमान में, फिर ये उड़ के थक जाते हैं तो ये जो बाड़ा बनाया जाता है तारों का उस पर बैठ जाते हैं, सीटी बजा रहे हैं, पेड़ों पे बर्फ गिरी हुई है, पल्म ट्री पे बर्फ गिरी हुई है, पेड़ सफ़ेद हो गए हैं, वो भी हवा में लहर रहे हैं, जो फ्रॉग हैं वो गाना गा रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है कि कल रात यहाँ पे जो वॉर हुआ था इससे कितना इंसान, कितने इंसान मरे, कितने इंसानों की डेथ हो गई, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई नेचर तो अपना काम ही करती है, ठीक है। तो ये थी इसकी पोयम, आई होप आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की समरी लेकर आपके सामने आएंगे। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।